सबसे बड़ी बात है ये जो हमारे अंदर जब बोलते हैं हम छुआछूत, ये छुआछूत इंडस्ट्री में बहुत है। ये होता है कि हाई लेवल है तो उनके लिए टिफिन अलग से आएगा और लो लेवल में तो उनको जनता खाना जनता अच्छा आएगा। फैक्ट्री वर्कर वगैरह में वर्कर काम करता है वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जाता है इंस्पेक्टर चेकिंग करने के लिए। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ क्यों नहीं आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्टर चेकिंग के लिए, लेबर इंस्पेक्टर? द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग गर्ल्स एंड वुमेन वर्किंग इन द फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री इज द लैक ऑफ टॉयलेट्स, बिकॉज ऑफ विच देर आर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इफ यू हैव एग्रीड टू वर्क इन टीवी इंडस्ट्री प्रिसाइसली, then your health is on a stake, your relationship is on a stake, your whole life is on a stake. And what we get at the end is once the show is over, the life is finished. सबसे ज़्यादा entertainment के हाथ से हमारे देश को ज़्यादा हम लोग tax देते हैं, फिर उसका benefit हमारे worker को zero होता है। ये सरकार आज हमारे कितने member of parliament बने, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, सुनील दत्त साहब, विनोद खन्ना साहब, और कितने आर्टिस्ट बने हेमा मालिनी जी, और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जितने वाइस क्राफ है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, लाइट डिपार्टमेंट है, मेकअप डिपार्टमेंट है, कितने के पास घर है, कितने के पास भाड़े पे अभी तक जिंदगी भर रहे, मर के जाते तो उनको नसीब भी नहीं होता कपन भी। मुंबई में जितने स्टूडियोज हैं उन स्टूडियोज को पता नहीं उनको लाइसेंस मिला या नहीं मिला, उन स्टूडियो के पास ये व्यवस्था है कि वहाँ पर एक यूनिट में अगर 100 लोग होते हैं और 10 यूनिट एक साथ काम कर रही हैं, यानी 1000 लोग अगर काम कर रहे हैं तो क्या 1000 लोगों के लिए टॉयलेट्स हैं, या 1000 लोगों के लिए हेल्थ के लिए क्लिनिक्स हैं? नहीं, कहीं नहीं है, आसपास नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। 200 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म है, क्या हम एक एम्बुलेंस स्टंटमैन को प्रोवाइड नहीं कर सकते?